हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू राजश्री चौहान क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम ऑड वन इन। स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन अ फर्स्ट पोएम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन माय लास्ट टाइम वीडियोस, एंड आल्सो आई हैव एक्सप्लेन ऑल क्वेश्चन आंसर्स। सब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके उसके फोटोज भी दिए हुए हैं, सॉल्व करके दिया है क्वेश्चन आंसर्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। तो आप लोग वो वीडियोस देख लो, दो वीडियो है, एक में पोएम एक्सप्लेन किया है और दूसरे में क्वेश्चन आंसर्स पूरे दिए हैं डिटेल में, आप वो ज़रूर देख लो। और मैंने ऑड वन इन ये लेसन भी एक्सप्लेन किया है, तो उसका वीडियो भी आप ज़रूर देख लो। तो मेरे वीडियोस सर्च करने के लिए आप सीधा प्लेलिस्ट में जाओ, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड वाइज सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। सो टुडे आई विल स्टार्ट वर्कशॉप ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश का वर्कशॉप है ये हम कंटिन्यू करेंगे। नाउ व्हाट इज गिवन, आपको स्टोरी तो मैंने एक्सप्लेन की है, मालती एंड रीमा आर द टू गर्ल्स, एंड मालती इज अ न्यू कमर इन स्कूल, स्कूल में नई आई है, एंड रीमा इज फ्रॉम द स्कूल एंड शी इज गुड इन इंग्लिश, उसका इंग्लिश बहुत ही अच्छा है बट हिंदी अच्छी नहीं है। मालती इज इंग्लिश इज नॉट गुड, बट वो हिंदी में और पोएम्स में, प्लस शी इज़ वेरी गुड इन सिंगिंग, शी इज़ गुड इन स्पोर्ट्स, तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे गुण है। सो नाउ वी विल सी, हियर इज गिवन इन द वर्कशॉप इज गिवन द रीड अलाउड द कन्वर्सेशन इन द स्टोरी टर्न बाय टर्न। तो आप लोगों को ये स्टोरी टाइप इसे कन्वर्सेशन में डायलॉग्स टाइप में आपको करना है। दिस इज अ क्लास वर्क, क्लासरूम में आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे कर सकते हो। नेक्स्ट इज गिवन, राइट अबाउट द मालती एंड रीमा यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो मालती और रीमा कैसे थे ये हमें यहाँ पर पॉइंट से लिखना है। विच पॉइंट्स आर गिवन, अपियरेंस, देन स्टडीज, सिंगिंग, एटीट्यूड टू अदर, तो ये कैसे थे, और वीक पॉइंट, ये ऐसे फाइव ऑप्शंस दिए हैं। और फाइव ऑप्शंस में क्या आंसर आएगा, तो ये कैसी थी मालती, कैसी है रीमा, कैसी अपियरेंस कैसा है, ये सब हमें लिखना है। एंड व्हाट दे हैव टेल अस, दैट वी हैव टू यूज द डिटेल फ्रॉम द स्टोरी, दैट डिटेल वी विल फाइंड फ्रॉम द स्टोरी, एंड योर ओन इमेजिनेशंस व्हेन यू राइट द अबव डिस्क्रिप्शन एंड व्हेन वी राइट अबाउट देम। सो वी हैव टू सी फ्रॉम द, वी हैव टू टेक द डिटेल फ्रॉम द लेसन ऑल्सो एज वेल एज वी हैव टू यूज अवर ओन इमेजिनेशन, तो हमें अपना खुद का इमेजिनेशन भी यूज करना है और उनके बारे में हमें डिफरेंसेस लिखने हैं। इन थर्ड क्वेश्चन वी हैव इमेजिन यू आर मालती। नाउ व्हाट वी हैव टू इमेजिन, दैट यू आर मालती, एंड आपको समझना है कि आप खुद मालती हो, एंड राइट अबाउट एनी वन इवेंट इन द स्टोरी फ्रॉम मालतीज पॉइंट ऑफ व्यू, और मालती के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा भी एक आप लोगों को इवेंट लिखना है। यू कैन पिक एनी वन एंड राइट अबाउट दैट। इन फोर्थ क्वेश्चन वी हैव, हाउ डू यू बिहेव विथ योर क्लासमेट्स। सो हाउ डू यू बिहेव विथ योर क्लासमेट्स, आप क्लासमेट के साथ कैसे बिहेव करते हो। राइट अबाउट योर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर इन द एप्रोप्रिएट कॉलम। हियर आर गिवन थ्री कॉलम्स, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, एंड सम एक्शंस गिवन, ask other for help. Now, you always ask other for help? No, I sometimes ask other for help. तो आप कभी कभी दूसरों से help लेते हो। Refuse help? I never refuse help. मतलब आप कभी भी किसी को help करने में refuse नहीं करते हो, टालते नहीं हो। Judge others by others, their appearance. तो आप किसी को अपियरेंस से कैसे दिख रहा है ये देखकर आप उन्हें जज करते हो। सो नेवर, तो ये नेवर में आप लिख सकते हो, आई नेवर जज अदर्स बाय देयर अपियरेंस। जज अदर्स बाय देयर एसेंट, हाँ, बोलने के ढंग से। तो शायद आप कभी कभी ये करते होगे, तो समटाइम्स आप लोगों को जो भी है हॉनेस्टली लिखना है, तो यू कैन राइट दैट यस समटाइम्स आई जज अदर्स बाय देयर एसेंट। एसेंट मतलब बोलने का ढंग, बात करने का तरीका, उसके ऊपर भी हम जज करते हैं। और इसमें ऑलवेज में और दूसरे पॉइंट्स अगर आप लोगों को लिखने के लिए कहा है, तो आप कौन से पॉइंट्स लिखोगे। मे बी यू विल राइट दैट आई ऑलवेज शेयर माई टिफिन विथ माई फ्रेंड,
I always help my friends in studies. Sometimes I take help of other students or other friends in maths or any other subject. I never use any bad words in the school. I never use bad words. You can use anything here. So, जो आप always करते हो, हमेशा करते हो, जो आप कभी कभी करते हो और जो आप कभी भी नहीं करते, you never do that. आप लोगों को ऐसे यहाँ पर ये sentences complete करने हैं. Now next we have talk about. So what you have to talk about? Your strength. तो आपको अपने strength के बारे में, उसके बारे में आपको talk करना है. Means you have to, ये लिखना नहीं है, you have to discuss these all points with your friends. जब क्लास में एक्टिविटीज होती है, दैट टाइम यू हैव टू डिस्कस विद योर फ्रेंड स्ट्रेंथ. तो व्हाट इज योर गुड स्ट्रेंथ? यस, तो वी कैन से दैट द गुड फ्रेंडशिप इज द माई स्ट्रेंथ, इज माई स्ट्रेंथ. गुड फ्रेंडशिप आपकी स्ट्रेंथ. नाउ नेक्स्ट वी हैव टॉक अबाउट. सो व्हाट यू हैव टू टॉक अबाउट? योर स्ट्रेंथ. तो आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में, उसके बारे में आपको टॉक करना है. मीन्स यू हैव टू, ये लिखना नहीं है, यू हैव टू डिस्कस दिज ऑल पॉइंट्स विथ योर फ्रेंड्स. जब क्लास में एक्टिविटीज होती है, दैट टाइम यू हैव टू डिस्कस विथ योर फ्रेंड स्ट्रेंथ. तो व्हाट इज योर गुड स्ट्रेंथ? यस, तो वी कैन से दैट द गुड फ्रेंडशिप इज द माई स्ट्रेंथ, इज माई स्ट्रेंथ. गुड फ्रेंडशिप आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि अगर अच्छी फ्रेंडशिप हो तो हमें कोई भी काम करने में आसानी होती है. दैट कैन हेल्प यू इन योर स्टडीज. देन योर वीकनेस, वीकनेस क्या है? सो यू कैन राइट दैट माई वीकनेस इज sometimes I cannot speak proper words in English, or I am having difficulty to find out English words. Maybe that is your weak point. So that is your weakness. Then the change that you would like to see in yourself. So what changes you want to see in yourself? अपने आप में आपको क्या changes देखने हैं? So we can say that I should be confident. मुझे किसे बनना है? Confident बनना है ज्यादा. तो ये चेंज मैं अपने अंदर लाना चाहती हूँ. आई वुड बी, आई वुड द चेंजेस दैट यू वुड लाइक टू सी इन योर सेल्फ. आई वुड लाइक टू सी मोर कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ, मोर कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ. तो ऐसे आप लिख सकते हो, या यू कैन राइट आई वॉन्ट टू बी अ मोर कॉन्फिडेंट. इस तरह से आप लोगों को ये डिस्कशन करने हैं तीनों पॉइंट्स के ऊपर. नाउ नेक्स्ट वी हैव डिस्कस. It is necessary to develop a good accent. Why? And what efforts can you take to improve your pronunciation? With your teacher's help, find out how to use online dictionaries for the purpose. Now, if you want to speak a good type of English words, now we know that English is नॉट अवर मदर टंग. हमारी वो राष्ट्रभाषा भी नहीं है और हमारी मदर टंग नहीं है, जैसे हम घर पे बोलते हैं. तो इसीलिए अगर आप उसे ज्यादा इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड फ्रॉम द डिक्शनरी. डिक्शनरी अगर टीचर्स के हेल्प से, या मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसे डिक्शनरीज मिलते हैं, बुक्स मिलते हैं, और अगर मोबाइल आप यूज करना जानते हो तो उसमें भी डिक्शनरीज डाउनलोड किए जाते हैं. ऑनलाइन डिक्शनरीज, ऑफलाइन डिक्शनरीज भी होती हैं. तो आप उसे डाउनलोड करके, इफ यू आर फाइंड एनी डिफिकल्टी टू प्रोनाउंस अ वर्ड, प्रोनाउंसिएशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको क्या करना है? दैट वर्ड यू हैव टू टाइप इन द मोबाइल, और वहाँ आप लोगों को उसका प्रोनाउंसिएशन के लिए एक क्लिक करने के लिए होता है. वहाँ आप क्लिक कर दो तो कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, आप लोगों को वहां से आवाज से वो लोग बताएंगे, प्रोनाउंस करके बताएंगे, वो बोलकर दिखाएंगे. एंड यू हैव टू यूज द सेम वे, आप लोगों को उसी तरह से. क्योंकि देखो, जब मालती आती है क्लास में तो उसे गुड मॉर्निंग ये बोलने में डिफिकल्टी होती है. तो शी सेज गुड मॉर्निंग, तो उसे पता है गुड मॉर्निंग कैसे बोलना है, बट उसका एसेंट जो है वो प्रॉपर नहीं था. तो ये सब सीखने के लिए यू कैन यूज ऑनलाइन डिक्शनरीज. Now the next question is, list all the adverbs that end with ly from the passage. तो जो ly के words हैं वो हमें देखने हैं और उसे लिखना है.
लास्ट क्वेश्चन लैंग्वेज स्टडी टाइप ऑफ नाउन्स. नाउन्स यू नो जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं. जैसे आप लोग एक बचपन में गेम भी खेलते थे जिसमें होता है प्लेस एनिमल प्लेस थिंग, तो ऐसे ही यहाँ पर हमें जो नेम्स हम लिखते हैं वो नेम्स को हम कहेंगे नाउन. यू नो दैट द नाउन इज द वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग. द नेम्स गिव टू पर्टिकुलर पर्सन प्लेसेस एनिमल एक्सेट्रा आर प्रॉपर नाउन्स. नाउ ऑल काइंड ऑफ, नाउ दिस इज अ पेन एंड दिस इज द स्केल. वी नो दिस इज पेन दिस इज स्केल. तो ये जो इसके नेम्स हैं पेन स्केल बुक ये सब क्या है, कॉमन नाउन्स है. नाउन में ही आते हैं बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ कॉमन नाउन. बिकॉज अगर मैं पेन कहूंगी तो इट में भी ब्लैक है वाइट है रेड कलर का है एनी कलर का हो सकता है या कोई भी ब्रांड का कोई भी कंपनी का हो सकता है. लेकिन जब हम पर्टिकुलर यूज करते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है नटराज, तो अगर मैं नटराज पेन कहूंगी तो नटराज क्या बन गया है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो पर्टिकुलर नेम दिया है इसे. अगर हम स्केल देखेंगे तो स्केल के ऊपर हम देखते हैं स्मार्ट, तो ये स्केल का जो ब्रांड है वो कौन सा है, स्मार्ट वाला स्केल, इसीलिए स्मार्ट क्या बन गया है, प्रॉपर नाउन. बट स्केल कॉमन नाउन, तो कोई भी कंपनी का हो सकता है कोई भी ब्रांड का हो सकता है. बुक, तो बुक मीन्स एनी, सपोज आई विल टेल यू टीचर विल टेल यू टू ब्रिंग अ बुक, तो आप कौन सा बुक लेकर जाओगे या पूरा बैग उठाकर लेके जाओगे. बट इफ टीचर विल टेल यू गो एंड ब्रिंग इंग्लिश टेक्स्ट बुक, तो आप पर्टिकुलर इंग्लिश सब्जेक्ट का ही लेकर जाओगे. दैट मीन्स बुक ये हो गया कॉमन, कॉमन में आ गया. और जो सब्जेक्ट का नाम टीचर ने बताया है इंग्लिश, तो वो हो गया प्रॉपर. ठीक है, तो ऐसे हमको देखने हैं. इफ टीचर विल कॉल टेल यू टू कॉल अ बॉय, तो कौन से बॉय को कब बुलाना है आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा. बट टीचर विल टेल यू टू गो एंड कॉल राहुल, तो आप लोग सीधा जाओगे राहुल को ही बुलाओगे. तो इस तरह से जब किसी को पर्टिकुलरली आइडेंटिफिकेशन हम देते हैं वो होता है प्रॉपर नाउन. और जो कॉमन में आता है जो कोई भी हो सकता है, फिर गर्ल मीन्स एनी गर्ल, बॉय मीन्स एनी बॉय, टाउन एनी टाउन. जब कहेंगे मुंबई तो मुंबई हो जाएगा, हैदराबाद तो हैदराबादी होगा, गुजरात है तो गुजरात होगा, वो प्रॉपर में आ जाएगा. बट टाउन मीन्स एनी वन, रिवर गंगा है यमुना है गोदावरी, एनी रिवर इज कॉल्ड रिवर. बट पर्टिकुलर नेम्स जो मैंने बताए वो कहाँ पर आएंगे, प्रॉपर नाउन में. ठीक है, ऐसे हमको आइडेंटिफाई करना है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. तो मेन इज नाउन एंड नाउन हैज टू पार्ट्स विच आर द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. सो हियर आर गिवन सम एग्जाम्पल, सो लेट मी रीड दैट. गर्ल बॉय टाउन रिवर टेबल पेंसिल बैग रोड एक्सेट्रा, मीन्स बहुत सारे जो भी चीजें हमारी है अराउंड वो सब क्या है, कॉमन नाउन है. और जिसको पर्टिकुलर नेम दिया है वो होते हैं प्रॉपर नाउन. संगीता राहुल लंदन नासिक सह्याद्री प्रवणा हाँ प्रवरा आर द एक्सेट्रा आर वॉट, सब क्या बन गए हैं, प्रॉपर नाउन. नाउ वॉट वी हैव टू डू, राइट एट लीस्ट 5 कॉमन नाउन्स एंड 5 प्रॉपर नाउन्स ईच. 5 कॉमन नाउन और 5 प्रॉपर नाउन लिखने हैं. और आपको याद रखना है प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज राइट विद अ कैपिटल लेटर. बच्चों अगर आप देखोगे योर ओन नेम योर सर नेम ऑलवेज बी राइट विद कैपिटल लेटर. वाई, बिकॉज दैट इज प्रॉपर नाउन. वो आपका क्या है, नाम प्रॉपर नाउन है, इसीलिए हम उसे कभी भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करके लिखते हैं. कैन यू थिंक ऑफ प्रॉपर नाउन दैट इंक्लूड्स 2 और मोर वर्ड्स, हाउ आर दे रिटन. तो कोई प्रॉपर नाउन है पता आप लोगों को जो 2 वर्ड्स में और मोर वर्ड्स में लिखा जाता है. फाइंड अ लिस्ट 10 सच नाउन्स. एग्जाम्पल सेवा हॉस्पिटल, देखो यहाँ पर सेवा हॉस्पिटल. द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसमें यहाँ पर भी कैपिटल यूज किया है, ये भी कैपिटल है. इस तरह से वर्ड्स हमें लिखने हैं, तो आप लोग ये भी लिख सकते हो.
ओके चिल्ड्रन, सो इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो चैनल फर्स्ट टाइम, राजेश्री चौहान क्लासेस का वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आगे के वीडियोस के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिल सके। और आप लोगों को कुछ डाउट्स है या आप लोगों को कोई मेरी प्रॉब्लम है इसमें टीचिंग में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो दैट आई कैन इम्प्रूव, हाँ मोर इम्प्रूवमेंट, मैं आप लोगों के साथ इम्प्रूवमेंट करके अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है बच्चों।